आधा बजा लाते हैं अबू जी। बेटे राइडिंग भाई, आप तो घोड़दौड़ी करते हैं, हमें बहुत डर लगता है। डर किस बात का अबू? आप इतना तेज घोड़े को भगाते हैं, इतना तेज भगाते हैं। अबू अगर जिंदगी में रफ्तार ना हो तो जीने का मजा क्या है? हमारा तो जी करता है कि हम अपने घोड़े को हवा में उड़ा दें। भाई जान, हवा में उड़ना है तो एक हवाई जहाज खरीद लीजिए। छोटे मियाँ, एक क्यों, हम दो खरीदेंगे, एक आपके लिए और एक अपने लिए, और फिर हम दोनों भाई हवा में ही गुलाटियां मारेंगे। आप लोग इस तरह बातों की हवा में उड़ते रहे तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। लीजिए, अब हम दो मिनट में तैयार होके आते हैं। अबू जान चलिए नाश्ता करते हैं। चलो बेटे। अबू जान, आज मेरा रिजल्ट निकलने वाला है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हर साल की तरह इस साल भी मैं टॉप करूं। जरूर टॉप करेंगे मियां, कैसे नहीं करेंगे भाई, किसके आप? आप जिंदगी के हर इम्तिहान में अव्वल रहेंगे, देखते जाइए आप। अरे नदीम मियां, बैठकर नाश्ता करो। अबू जान जब बैठ जाते हैं ना तो लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई हो। आप लोग आराम से नाश्ता कीजिए ना। खुदा खुदा हाफिज भाई जान। देखा देखा, तुम्हें रिजल्ट देखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मैंने टॉप किया है। क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मैंने टॉप नहीं किया है। जीनत, कॉलेज तो खत्म हो गए। हाँ नहीं, कॉलेज तो बंद हो गया। अब हम कहाँ मिलेंगे? अब हम कहाँ मिलेंगे? हीरो हीरोइन तो पार्क में मिलते हैं। पार्क में? क्योंकि मैं इतने करीब आना चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं। जनाब धीरे धीरे इस्तेमाल कीजिए अपने दीवानगी भरे प्यार को, कहीं खत्म ही ना हो जाए। नहीं जीनत, हमारी सांसें खत्म हो सकती हैं, हमारा प्यार नहीं। हाँ, और जब मेरे बाल पक जाएंगे और उम्र भी ढल जाएगी तब तो तुम्हारा प्यार पीछे रह जाएगा ना। ए पगली, प्यार का उम्र से क्या वास्ता, प्यार तो प्यार है।